नहायत अफसोस के साथ सारा डिजिटल के नाजरीन को इत्तला देते हैं कि मशहूर समाजी कारकुन फिरदौस खान जुमे की सुबह अपनी रिहाइश गाह पर इंतकाल कर गई। साला डिजिटल पर 8 जून को हमने फिरदौस खान साहबा से मिलेनियल्स और उनके चैलेंजेस पर खसूसी गुफ्तगू की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गुफ्तगू का लिंक शेयर किया गया है। फिरदौस खान फॉरवर्ड ट्रस्ट की सेक्रेटरी और कंसल्टेंट थी। बहुत व कर्नाटका कम्यूनल फ्रेंडशिप फोरम, जमात इस्लामी हिंद और दीगर शहरी तंजीमों के साथ सरगर्म अमल रहीं। बहुत व कर्नाटक के कारकुन एडवोकेट विनय श्रीनिवास कहते हैं कि फिरदौस माशरे की फलाह के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहती थी। माशरे की हम आहंगी गोया उनका सपना था। 52 साल फिरदौस HCL में मैनेजर के अहदे पर फायज थी, मगर इस्तीफ़ा देकर समाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गईं। CAA एहतजाज में उन्होंने ऐसी आवाज़ उठाई कि गूंज दिल्ली तक सुनाई दे गई। मरहूमा के पसमंदगान में शौहर वसीम खान, एक बेटा और एक बेटी हैं। फिरदौस खान की वफ़ात बेंगलुरु की सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। बट बेसिकली रिलेशनशिप्स में जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, उस पर थोड़ा काम करें। उस पर काम करने के लिए आपको एक चीज़ है कि पेशेंस डेवलप करना है और टेक्नोलॉजी को बैलेंस करना है। रियल लाइफ और ऑनलाइन लाइफ जो है उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि रिलेशनशिप्स में समझना चाहिए कि पर्सनल टच बहुत ज़रूरी है। यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, यू नो, एंड यू डोंट इवन नो द नेक्स्ट पर्सन, यू नो, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं आपके बाजू में, बट आर टॉकिंग टू समबडी हु इज़ इन अमेरिका। तो ये चीज़ जो है बैलेंस नहीं होती। आप कहीं ऑफिस में गए, अब क्या होता था पहले हमारे इसमें कि एक दो लोग सामने बैठते, अभी हमारा वक्त है, ब्रेक है, कुछ है, तो पूछ लेते हैं कि हाउ इज योर अंकल, हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर हस्बैंड। ये क्या होता है, बैठते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं और फिर जो है फ़ोन में रहते हैं। तो ये मोबाइल्स को, सेलफोन्स को, टेक्नोलॉजी को जो है थोड़ा कम करें और पर्सनल रिलेशनशिप्स ज़्यादा करें।